दोस्तों स्वागत है आपका देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक भारत में AK-203 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ एक बड़ा समझौता, सेना को मिलेगी एडवांस राइफलें। जी हां दोस्तों, चीन के साथ तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है, इसे थोड़ी देर में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 3 साल पुराने वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी, इसके बगैर जारी नहीं होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। आखिर सरकार ने यह नया नियम क्यों जारी किया है। साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के घर ड्रग्स एंगल की जांच के लिए NCB बड़ा काम करने वाली है। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, अब इस राज्य ने इस भर्ती के लिए निकाल दी परीक्षा की डेट। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला, अब अस्पताल में जाने वाले हर मरीज का होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब 9 सितंबर से खुलेंगे पब और बार, राज्यपाल ने दी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों यदि आपने भी लोन ले रखा है तो सरकार की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आ गया है। इसी के साथ दोस्तों आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी जानेंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों नवंबर में आ सकती है अमेरिकी वैक्सीन, ट्रंप प्रशासन ने राज्यों को तैयार होने के लिए कहा। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर ये वैक्सीन कब तक आएगी और इसको किन किन देशों के लिए जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में AK-203 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ एक बड़ा समझौता, सेना को मिलेगी एडवांस राइफलें। जब दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। दरअसल AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। बता दें ये इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास 5.56x45mm राइफल की जगह लेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1,00,000 का आयात किया जाएगा और निशेष का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। खबर के मुताबिक प्रति राइफल करीब $1,100 की लागत आने की उम्मीद है, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत और विनिर्माण इकाई की स्थापना भी शामिल है। स्पुतनिक की खबर के मुताबिक इंसास राइफलों का इस्तेमाल 1996 से किया जा रहा है। इसमें जाम होने, हिमालय पर्वत पर अधिक ऊंचे स्थानों पर मैगजीन में समस्या आने जैसी परेशानियां पेश आ रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 3 साल पुराने वाहनों पर फास्टैग जरूरी, इसके बगैर जारी नहीं होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। जन दोस्तों केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए साल में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार, ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सकेगा। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर को हितधारकों के सुझाव आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर नकद के बजाय फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहनों यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों की विंड स्क्रीन पर आगामी 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची ड्रग एंगल की जांच कर रही NCB, जारी है सर्च ऑपरेशन। जहां दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए इस मामले में हर एंगल से जांच हो रही है। CBI जहां ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है, वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय भी इस केस में अलग अलग एंगल से जांच कर रहा है। इस तरह से सुशांत सिंह केस में केंद्र की 3 एजेंसियां जांच कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर गई है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के घर NCB की टीम ने छापेमारी की है। इतना ही नहीं, सैमुअल मिरांडा के घर में भी NCB की टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। तय हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि, जानिए कब होगी परीक्षा। जहाँ दोस्तों राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल, GDO ड्राइवर के पद पर निकली 5438 भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा की तिथियां तय हो गई है।
राजस्थान पुलिस की ओर से परीक्षा के लिए नवंबर में प्रथम सप्ताह की 6, 7 और 8 तारीख निर्धारित की गई है। जल्द ही राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए लगभग 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अस्पताल में जाने वाले हर मरीज का होगा कोरोना टेस्ट। जल्द तो कोरोना के मामले बढ़ते देख दिल्ली सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। अब राजधानी में नॉन कोविड अस्पतालों की ओपीडी में आने वाली सभी मरीजों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। सामान्य ओपीडी में पहुंचे मरीजों को भी रैपिड एंटीजन जांच कराना होगा। वहीं दिल्ली के प्रमुख बड़े नॉन कोविड अस्पताल में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जांच व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं जग प्रवेश चंद्र समेत अन्य अस्पतालों में भी जल्द जांच शुरू होगी। साथ ही ओपीडी में आने वाले मरीज से एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें उसके लक्षण संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। बता दें कि जिन मरीजों को लक्षण होने के बावजूद एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है उन्हें आरटीपीसीआर जांच के लिए कहा जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे पब और बार, राज्यपाल ने दी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी। जैन दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में पब और बार 9 सितंबर से खुलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि एलजी से मंजूरी मिलने के बाद अब 9 सितंबर से राजधानी के होटल, रेस्तरा और क्लब पूर्व की तरह शराब परोस सकेंगे। इन सभी पब और बार संचालकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में पब और बार परिचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP भी जारी कर दी है। SOP के अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित बारों को बंद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कोर्ट का बड़ा फैसला। जब दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसे कमजोर करने को लेकर फैसला नहीं किया जा सकता। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए लोन मॉरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसे कमजोर करने को लेकर फैसला नहीं किया जा सकता। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते जो अर्थव्यवस्था को कमजोर करे। हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला किया है लेकिन भुगतान के दबाव को कम नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को नसीहत, बातचीत से विवाद नहीं सुलझा तो रिश्तों पर असर तय। जैन दोस्तों भारत और चीन में बॉर्डर पर चल रहे विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। एस जयशंकर ने कहा कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाना भारत के साथ साथ चीन के लिए भी जरूरी है। उन्होंने आगे चीन को चेताते हुए कहा कि बॉर्डर पर तनाव रहेगा तो उसका असर रिश्तों पर पड़ना तय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात अपनी एक ऑनलाइन इवेंट में कही है। यह इवेंट उनकी किताब द इंडिया वे, एक अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीतियां के लिए रखी गई थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, तीसरे दिन भी नहीं बढ़ा पेट्रोल और डीजल के भाव, जानिए क्या है आज की ताजा अपडेट्स। जैन दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन बहुत दिन बाद कल तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में प्रति लीटर 100 पैसे तक की कमी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के चलते घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में या तो बढ़ोतरी हो रही है या फिर कोई बदलाव नहीं होता है। आपको बता दें कि बीते 17 दिनों में पेट्रोल की कीमत 1.65 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम की बात करें तो आज 82.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 73.40 रुपए प्रति लीटर है। रोजाना सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती है। वहीं बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 82.08 रुपए और डीजल 73.40 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की दाम 88.73 रुपए और डीजल 79.94 रुपए प्रति लीटर है। साथ ही कोलकाता में पेट्रोल 83.57 रुपए और डीजल 76.90 रुपए प्रति लीटर है। साथ ही चेन्नई में पेट्रोल 85.04 रुपए और डीजल के दाम 78.71 रुपए प्रति लीटर है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
नवंबर में आ सकती है अमेरिकी वैक्सीन, ट्रंप प्रशासन ने राज्यों से तैयार होने को कहा। जन दोस्तों, अमेरिका की संघीय सरकार ने भी सभी राज्यों को 1 नवंबर से कोरोना टीके के वितरित करने के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने 27 अगस्त को राज्यों के गवर्नरों को लिखे पत्र में कहा कि निकट भविष्य में हमें मेक कैसन कॉरपोरेशन की ओर से अनुमति पत्र मिल जाएगा, जिसने राज्यों और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों तथा अस्पतालों समेत कई स्थानों पर टीकों के वितरण के लिए रोग नियंत्रण केंद्र यानी CDC से अनुबंध कर रखा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।